जरा सोच समझ के करना। इस तरह के क्वेश्चंस कमाल होते हैं, पीडी में भरे पड़े हैं। तो मेरा इंक्लिनेशन नेचुरली पीडी की तरफ रहेगा, और अगर आपको ओडी चाहिए तो भाई ओडी में आइजन वैल्यू प्रॉब्लम्स, एसएलपी स्टर्म लाउ वाली प्रॉब्लम्स, ये और ये सीएफपीआई वाली प्रॉब्लम्स, इन पे रहेगा इंक्लिनेशन, वो सब मैं करा दूंगा। बट क्लास में आना पड़ेगा उसके लिए, कोई लिखा हुआ नहीं दे रहा हूँ या वर्ड नहीं दे रहा, बट जिसमें एनालिसिस करना होता है ना आपको, वो प्रॉब्लम्स अच्छे से कर लेनी चाहिए, एग्जाम में भी आएंगी आएंगी। ओडी पीडी वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आइए ये स्टूडेंट्स, ये दिस इज कैपिटल आर, हाँ ये क्या है, दिस इज एस, दिस इज टी, इतना तो हो गया। बाकी लोग चुप करके बैठे हैं, मतलब कमेंट इनसे खूब करवा लो, उल्टे सीधे ग्रुप बना के आ जाएंगे, पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बना के। अब क्यों नहीं बोल रहे आप लोग, एस स्क्वायर माइनस फोर आर, जहां बोलने का समय है वहां चुप, जो नहीं बोलना चाहिए उसके उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते आप लोग। एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी, सो दिस इज एस स्क्वायर, आर टी, चलो बचे, सो इट इज फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना, माइनस फोर, इतना आ गया आप लोगों का, हाँ ठीक है ना, दिस फाइन, दिस फाइन। तो ये बन जाएगा फोर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, भैया आप सब कुछ लिखा जा रहा है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, ये नेगेटिव कब होगा, और ये इक्वल टू जीरो कब होगा, दिस इज पॉजिटिव इफ, अगेन अगेन अगेन, सारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह आपने पढ़ा हुआ है भाई, जिसको ये नहीं पता वो तो क्लास से दफा ही हो जाए, दफा हो जाओ भैया, कोई काम नहीं है तुम्हारा, आपसे आपसे नहीं पढ़ाई, ये सब पढ़ाई नहीं जाएगा,
ये बाउंड्री ऑफ द सर्कल है, यूनिट सर्कल, दिस इज इंटीरियर एंड दिस इज इंटीरियर अलोंग विद बाउंड्री, व्हाट इज दिस? ऐसे ही है ना, ये आपका मॉड्यूलस इक्वल टू वन एग्जैक्टली बना दिया, तो ग्रेटर देन वन में बाहर आएगा, इक्वल ये लेस देन वन में इंटीरियर आएगा, और लेस देन इक्वल टू वन में दिस अलोंग विद दिस इंटीरियर, इज इट ओके? प्रेजेंट में बताइए क्या है, जल्दी देख के बताइए, व्हाट इज डी? डी इज बाउंड्री एज वेल एज इंटीरियर, ये आपका पूरा पोर्शन है डी। अब जिसको ये नहीं समझ में आ रहा, भैया प्रणाम, आपका हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो गया, आप उल्टे सीधे कमेंट्स करो जाके, रिश्ता रिश्ता खत्म, इज इट ओके? ये आपका डी है, अगर ये आपका डी है तो डी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भैया, क्या होगा डी का कॉम्प्लीमेंट इसका बाहर? सो ये आपका डी है तो डी कॉम्प्लीमेंट इज इज इट ओके? हे प्रभु, इज इट ओके? आइए साथ आइए। हाँ जी, दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव इफ, प्लीज स्टॉप राइटिंग एवरीवन, अभी देखने का समय है, लिखने का नहीं। दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव इफ, हाँ जी, दिस क्वांटिटी इज जीरो इफ, एंड जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देख ही लिया, यहाँ पे मिक्सचर नहीं चलेगा, आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं चलेगा, आप क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। इफ यू वांट टू क्लासिफाई प्रॉपरली साइन के बारे में, यू शुड बी क्लियर। हाँ जी, ये पहले वाले का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन, देख लीजिए इसका क्या मीनिंग है, लेस देन वन, और इसका क्या मीनिंग है, इक्वल टू वन। अच्छा, पहले तो ये देख लिया आपने, उसके बाद दूसरा, जैसे काफी देर से बता रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है आपका क्या है, हाइपरबोलिक, लेस देन जीरो का मतलब एलिप्टिक, और इक्वल टू जीरो का मतलब पैराबोलिक। अब देखते हैं कि कहाँ बात हो रही है, किस एक्स वाई पेयर के लिए बात हो रही है, जो डी में है या डी के बाहर है। पहले वाले में आइए, हाँ जी, एक्स टू प्लस वाई टू मोर देन वन, दिस इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, तो ये तो डी कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, इज इट ओके स्टूडेंट्स? ऐसे ये इंटीरियर, दिस इज नॉट डी, मतलब दिस इज इंटीरियर ऑफ डी, दिस इज, ये नहीं कह सकते आप, ये तो खैर बात ही क्या करनी है, तो दिस इज बाउंड्री ऑफ डी, एंड ये क्या चीज है आपका, इंटीरियर ऑफ डी। चलो आओ अभी करते हैं क्लासिफाई, तो दिस इज पैराबोलिक जब जब एक्स वाई डी के कॉम्प्लीमेंट में, भाई डी के कॉम्प्लीमेंट में तो पैराबोलिक तो नहीं आएगा उसमें, तो डी नहीं आएगा ना, गलत है ना, इज इट ओके? देख लो अच्छे से, ऐसे ही बी पार्ट, हाइपरबोलिक जब जब एक्स वाई डी में, भाई हाइपरबोलिक के लिए तो बाहर वाले चाहिए, अंदर वाले छोड़ने चाहिए। सी पार्ट, हाँ ये है ना करेक्ट, देख लो भैया एकदम क्लैरिटी के साथ हो गया। और लास्टली पैराबोलिक फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू, वो भी दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सबके लिए नहीं है, फॉर ऑल एक्स वाई डी का मतलब चाहे वो लेस में आए या इक्वल में आए, हमेशा पैराबोलिक आएगा, हमेशा तो नहीं आ रहा है, पैराबोलिक के लिए तो इक्वल में आएगा, लेस वाले में तो पैराबोलिक नहीं आ रहा, तो मतलब सारे डी के सारे पॉइंट्स के लिए नहीं आ रहा है, इज इट ओके? क्लियर हो गया आप लोगों को? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये, अभी ऐसे पढ़ना चाहिए आपको, ODPD के ऐसी चीज़ों के लिए तैयार रहिए, अभी नहीं तैयार होंगे तो जहाँ की आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको तैयार करवा देगा, ये इसी तरीके से करना है आप लोगों को, रिसर्च वगैरह ऐसी होती है।